লাগান আসামও থেমে থাকবে না নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बंगाल में पिछले कुछ समय से जो हो रहा है वो किसी से भी छिपा नहीं है। हत्या, लूट, हिंसा, सब कुछ सामने आ रहा है। बंगाल में चुनाव हो या धार्मिक यात्राएं, कुछ भी सुरक्षित नजर नहीं आता। शांति या बिना हिंसा के यहां कुछ पूरा हो जाए ये होता ही नहीं। यहां तक कि किसी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं हो सकते। बंगाल में संदेश खाली हो या कोलकाता के अस्पताल में हुई डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी, सभी मामलों में बंगाल सरकार का रवैया किसी को भी समझ नहीं आया। आरोप तो यह भी लगने लगे कि ममता सरकार अपनों को बचाने के लिए खुद को बदनाम करने का उल्टा आरोप मोदी सरकार पर लगाने लगी। यही नहीं, कोलकाता केस में जब ममता दीदी को समझ आया कि उन पर सवालों की बौछार ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है तो वो खुद सड़क पर प्रोटेस्ट करने लगी। अब यह देखना भी गजब था क्योंकि जिस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर बंगाल की जनता सड़क पर उतरी थी और सरकार से सवाल पूछ रही थी, ऐसा ही प्रदर्शन मार्च दीदी भी करने लगी। अब इससे यह सवाल आने लगे कि क्या ममता दीदी अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? लेकिन अब इसके बाद बंगाल से जो खबर सामने आई उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले खबर जानिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में 3 समाचार चैनलों के बहिष्कार की बात कर ली। टीएमसी ने इन चैनलों पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से बदसलूकी और हत्या मामले में प्रदर्शन के बीच टीएमसी ने बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगाए हैं। तो अब इससे सवाल ये आया है कि क्या ममता दीदी सवालों से बचना चाहती हैं? क्या बंगाल की और ज्यादा सच्चाई दीदी बाहर नहीं आने देना चाहती? वहीं इस मामले को लेकर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में विफल रही हैं, जिससे पश्चिम बंगाल देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। वहीं कोलकाता केस में जब ममता सरकार घिरने लगी तो वो मोदी सरकार को ही धमकी देने लगी, कहने लगी कि बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी। बंगाल जो दी आगुन लगन आसामो थेमे থাকবে না নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না বিহারও থেমে থাকবে না ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। लेकिन इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने ममता दीदी को निशाने पर लिया और कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाई, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। तो इस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ममता दीदी को निशाने पर लिया और उनको आड़े हाथों लेते हुए ये जवाब दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हर कोई देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चीजें छुपाई जा रही हैं। संदेश खाली का मामला हो या फिर उसके बाद कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, कई चीजें, कई सवाल खड़े होते हैं। अब आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।